सब्सक्राइब कीजिए इस स्टूडियो चैनल को और हमारे सारे टेक रिलेटेड वीडियोस एंड वीडियो एडिटिंग इफेक्ट्स सबसे पहले देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। सो फ्रेंड्स, जैसे आपको मैंने बताया, आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप देख पाओ, यहाँ पे मैं एक लिंक हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये है pixlr.com, ठीक है। तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए छोड़ दूंगा, वहाँ से जाके विजिट करके आप डायरेक्ट इस साइट पे आ सकते हो। उस लिंक पे क्लिक करके वहाँ पे देखो, नीचे आके यहाँ पे एक एडवांस फोटो एडिटर बोल के मैं आपको बॉक्स करके हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद देखो, यहाँ पे आपका नीचे आओ, देखो लिखा आ रहा है क्रिएट न्यू, ठीक है। तो क्रिएट न्यू में आपको क्लिक करना है। क्रिएट न्यू में क्लिक करके आपको यहाँ पे नेम पूछ रहा है। देखो, आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो, कुछ इमेज का नाम दे सकते हो। तो मैं जैसे अपना चैनल का नाम है SS स्टूडियो, तो मैं SS लिख रहा हूँ सिंपली। आप कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद देखो, विड्थ और हाइट आपको आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप हाइट और विड्थ सेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल का जो साइज़ होता है 1280 और 720 मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ। तो आप ये भी रख सकते हो और कुछ एक्स्ट्रा भी एड्स कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो, यहाँ पे बैकग्राउंड बोल के लिखा है। तो बैकग्राउंड में जैसे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे देखो बहुत सारे कलर दिख रहा है। और यहाँ पे जो वाइट कलर दिख रहा है ना, इसको मुझे ब्लैक करना है। तो मैं इसको मैं क्लिक करके देखो, यहाँ पे मैं ब्लैक सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाइट बैकग्राउंड मुझे ब्लैक रखना है। देखो यहाँ पे ब्लैक आ गया। और इसके बाद क्रिएट में क्लिक करना है मुझे, ठीक है। देखो मैं क्रिएट में क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं क्रिएट में क्लिक करें, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यही है इसलिए आपको वेबसाइट में आपको ले आया, ठीक है। तो ये जो वेबसाइट आप देख रहे हो या जो विंडो आपके सामने स्क्रीन पर ओपन हो रहा है ना, इस विंडो पे आप विदाउट एनी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, आप एज ए फोटोशॉप, अगर आपको फोटोशॉप के काम नहीं आते, आपको फोटोशॉप पता नहीं है कैसे फोटोशॉप में आप थंबनेल बनाओगे, कैसे आप लोगो बनाओगे, कुछ भी टेक्स्ट आप क्रिएट करोगे एट्रैक्टिव फॉन्ट एट्रैक्टिव बैकग्राउंड के साथ, मतलब अगर आप थंबनेल भी बनाना चाहते हो HD थंबनेल, तो आप इस साइट विजिट करके विदाउट एनी फोटोशॉप, आपका काम आप फोटोशॉप का काम नहीं जानते हो, तो अब इस साइट में बहुत ही सिंपल तरीके से आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो इसी साइट का लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में तो मैं छोड़ दूंगा। तो आप यहाँ पे आके एडजस्ट साइट पे विजिट करके यहाँ पे एडिट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपको टेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे देखो टी बोल के जो ऑप्शन है, मतलब यहाँ पे टेक्स्ट का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको में क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे टी में जैसे मैं सिलेक्ट किया, एक विंडो ओपन होगा, मतलब एक पॉपअप स्क्रीन पे आपको शो करेगा, ठीक है। तो हाँ, उसमें आपको टेक्स्ट टाइप करना है। तो यहाँ पे देखो स्क्रीन पे, तो मैंने कुछ अल्फाबेट टाइप किया, जैसे मैं मान लो मैं ए टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने ए लिख दिया स्क्रीन पे, तो ए शो हो रहा है। तो यहाँ पे देखो ऊपर आपको साइज़ भी एडजस्ट कर सको, यहाँ पे साइज आपको रखना है, आप कौन सा साइज आप रखना चाहते हो। मैं यहाँ पे साइज सिलेक्ट कर रहा हूँ, आपको जो चाहिए होता है आप साइज वो सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट एट्रैक्टिव फॉन्ट आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे आपको फॉन्ट मतलब एट्रैक्टिव फॉन्ट आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हाँ फॉन्ट एडजस्ट कर सकते हो, बहुत ही कमाल का फॉन्ट आपको मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखो फॉन्ट के पास जो येलो कलर का जो साइन है ना गाइस, ये है प्रीमियम वर्जन, मतलब इस फॉन्ट को अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो इसके लिए आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा, ठीक है। ये है प्रीमियम फॉन्ट, देखो मैं क्लिक करके आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। देख लो एट्रैक्टिव फॉन्ट है, बहुत ही कमाल का फॉन्ट है, ये फ्री है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक फॉन्ट आपको एड सेट करके आपको दिखा देता हूँ टेक्स्ट ट्रांसपेरेंट करने के। तो मैं यहाँ पे देखो नीचे स्क्रॉल डाउन करके, यहाँ पे देखो डेडी डे बोल के जो फॉन्ट है ना, तो मैं यही सिलेक्ट कर लो। ये फॉन्ट को देखो टेक्स्ट ट्रांसफर आ गया है स्क्रीन के मिडिल पे एकदम। हाँ फ्रेंड, तो मैं इसको अपनी स्क्रीन के मिडिल पे एडजस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको मैंने जो डैडी डे फॉन्ट के लिए वही आ गया है, मिडिल पे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। अब इसको आप वो कलर सेट कर सकते हो, मतलब इसके लिए आप कलर दे सकते हो। ऊपर देखो यहाँ पे हाँ फिल बोल के जो एक ऑप्शन दिखेगा साइज के पास बिसाइड, तो यहाँ पे देखो फिल में जाके मैं इसको कलर सेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ फिल में जाके देखो, यहाँ पे मुझे कलर मुझे ग्रीन लगना है, ठीक है। तो मैं इसको ग्रीन कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो जैसे मैं ग्रीन कलर सिलेक्ट, देखो टेक्स्ट का कलर चेंज होकर ग्रीन हो गया, ठीक है। तो ग्रीन टेक्स्ट हो गया है, ठीक है, बहुत ही कमाल का दिख रहा है टेक्स्ट, और एकदम स्क्रीन का मिडिल पे शो हो रहा है, ठीक है। हाँ अभी क्या कर रहा है मुझे,
अभी आप देखते रहो, तो इसको मुझे सेव करना है, तो सेव करने के लिए ऊपर फाइल पे जाके मुझे सेव करना है, तो सेव करने के लिए यहाँ पे सेव फाइल टाइप मुझे जेपीजी या पीएनजी, तो मैं जेपीजी में सेव करना चाहता हूँ। तो जैसे मैं जेपीजी में क्लिक किया, यहाँ पे देखो डाउनलोड में ऑप्शन आ रहा है, तो डाउनलोड करके मुझे ये मैंने डाउनलोड कर लिया अपने पीसी पे, मैंने ये सेव कर लिया, डाउनलोड हो गया। अभी मुझे फिल्मोरा एक्स ओपन करना है, फिल्मोरा इन जो वर्शन है, फिल्मोरा ओपन करके मैं मुझे दिख रहा है आपको यहाँ पे मैंने पहले से ही चारों वीडियो मैंने मतलब कलरफुल वीडियो, एक फायर का, एक कलर का, एक फ्लावर पेटल्स का और एक पार्टिकल्स का वीडियो मैंने डाउनलोड करके रखा है इस पीसी में। ये यूट्यूब से ही मैंने डाउनलोड किया, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप जाके वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। एक एक करके मैं वीडियो प्ले करके दिखा रहा हूँ टाइमलाइन पे लाके, देखो यह बहुत ही कमाल का वीडियो है। इसी में मैं आपको टेक्स्ट ट्रांसपेरेंट करके दिखाऊंगा, वो जो मैंने फाइल अल्फाबेट डाउनलोड किया था उस साइट से, इस वीडियो के चलते मैं वो टेक्स्ट कैसे ट्रांसपेरेंट होगा मतलब वही करके आपको यहाँ पे शो करूँगा, ठीक है। तो मैं जैसे देखो मैंने जैसे फायर का वीडियो मैंने प्ले किया, बहुत ही कमाल का वीडियो है, एक एक करके मैं आपको यहाँ पे प्ले करके दिखा देते जा रहा हूँ, ठीक है। ये फ्लावर पेटल्स का है, ये भी बहुत ही अट्रैक्टिव मतलब वीडियो है, बहुत ही कलरफुल वीडियो है, और ये है पार्टिकल्स, ठीक है। तो हाँ ये देखो बहुत ही कमाल का वीडियो है। तो इस वीडियो के चलते आपका टेक्स्ट कैसे ट्रांसपेरेंट होगा, कैसे आप एट्रैक्टिव हमने लिया आप लोगों को क्रिएट करो, यही आपको मैं अभी सिखाने चला हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको अभी मैं इंपोर्ट में करके मैंने जो फाइल डाउनलोड किया था मतलब अल्फाबेट का, उसको मैं अब पहले अपने पीसी फिल्मोरा में इंपोर्ट कर रहा हूँ इसी से। देखो इंपोर्ट फ्रॉम कंप्यूटर, या फिर मैंने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करके मुझे ड्रैग करके टाइमलाइन पे ले आना है, ठीक है। मैंने पहले एक मुझे वीडियो लाना है, जो वीडियो मैंने इंपोर्ट किया था पहले, हाँ, तो मैंने फायर वाला जो वीडियो, इसको मैं ड्रैग करके एक नंबर टाइमलाइन पे ले आया, ठीक है। उसके ऊपर मैंने ये अल्फाबेट टेक्स्ट को टाइमलाइन पे मुझे लाना है, तो देखो मैं इसको भी ड्रैग करके टाइमलाइन पे एक नंबर दो नंबर ट्रैक में ले आया, ला के मैं उस वीडियो का समन कर दिया, एकदम वीडियो का जो जितना साइज़ है मैं टेक्स्ट का भी साइज़ सेम कर दिया, सेम रखा। उसके बाद वीडियो को लॉक किया मैंने, लॉक करके मुझे टेक्स्ट में डबल क्लिक करना है, टेक्स्ट में डबल क्लिक करके मुझे यहाँ पे क्रोमा की पे जाना है, क्रोमा की पे जाके यहाँ पे देखो आपका ऑफसेट का जो साइज़ है इसको मुझे एडजस्ट करना है, तो मैं ऑफसेट का साइज एडजस्ट कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं करते जा रहा हूँ आपको सिंपली ऐसे ही फॉलो करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैंने टेंस लिख किया और ऑफसेट का साइज, और यहाँ पे एज थिकनेस का जो साइज़ है इसको भी मैंने एडजस्ट किया, तो मैं एडजस्ट करते जा रहा हूँ, तो जैसे जैसे मैं करते जा रहा हूँ आपको भी ऐसा ही फॉलो करना है। कुछ भी साइज रख सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं जो साइज सेट कर रहा हूँ आपको भी ऐसा ही रखना है, ठीक है। अब एडजस्ट कर सकते हो, देखो मैं -2.43 सिलेक्ट किया, और इसके बाद एज फेदर को भी मैंने एडजस्ट किया, ठीक है। तो जैसे आपको चाहिए होता है, अब जो रखना चाहते हो साइज़, उस साइज़ अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद मैंने ओके किया, और अभी मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा दे रहा हूँ। देखो बहुत ही कमाल का वीडियो के चलते, फायर वीडियो के चलते ये टेक्स्ट ट्रांसपेरेंट हो गया है, अच्छे से शो भी हो रहा है स्क्रीन पे, देखो एकदम बहुत ही अच्छे से दिख रहा है आपको स्क्रीन पे ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट, ठीक है। तो ये हर वीडियो में मैं आपको करके दिखाते जा रहा हूँ अभी, ठीक है। अब वीडियो पे बने रहिए, ये तो सिर्फ फायर वीडियो, बाकी वीडियो में भी आपको अप्लाई करी, तो इसको मैं फिर से अनलॉक करके फायर वीडियो को मैं डिलीट कर दिया, उसके जगह मैं ये जो फ्लावर पेटल्स का वीडियो है उसको एडजस्ट टाइमलाइन पे ले आया, और इसका मतलब टेक्स्ट का साइज़ भी उस वीडियो का समान कर दिया, ठीक है। उसके बाद सेम प्रोसेस फिर से मुझे आपको करना है, तो मैं एक बार प्ले करके आपको दिखा रहा हूँ, देखो बहुत ही कमाल का दिख रहा है स्क्रीन पे, ठीक है। आप फ्रेंड देख पा रहे हो, आप स्क्रीन पे बहुत ही कमाल का दिख रहा है। और मुझे अभी क्या करना है, अभी मुझे यहाँ पे जो दो नंबर ट्रैक में लाया उसको मैं शो अप किया, सिंपली शो अप करके मैं जो फ्लावर पेटल्स का वीडियो है उसको थोड़ा ऊपर से क्रॉप किया, क्रॉप करके मैं थोड़ा साइज़ को छोटा करके मैं स्क्रीन का मिडिल पे एडजस्ट कर रहा हूँ, ताकि बहुत ही अट्रैक्टिव दिखे आपको स्क्रीन के मिडिल पे ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट, ठीक है। मैं देखो स्क्रीन के मिडिल पे मैं शो करते तो सेट करते जा रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं इसको टेक्स्ट को शो ऑन किया, शो ऑन करके मैं प्ले कर रहा हूँ, देखो अभी बहुत ही कमाल का अट्रैक्टिव टेक्स्ट ट्रांसपेरेंट दिख रहा है आपको स्क्रीन पे मिडिल पे, ठीक है। तो इसी तरह से आप एडजस्ट कर सकते हो, आप कोई भी यूट्यूब थंबनेल बना रहे हो, आप कोई भी अपना चैनल का लोगो बना रहे हो, इंट्रो बना रहे हो, एडजस्ट कर सकते हो इस वीडियो के अट्रैक्टिव बैकग्राउंड के साथ चलते हैं। उसको भी मैं फिर से डिलीट कर दिया, उसके बाद मैं फिर से एक अलग जो वीडियो मैंने पहला जो वीडियो उसको भी टाइमलाइन पे मैंने ले आया, ठीक है। और मैं एक बार प्ले करके आपको दिखा दे रहा हूँ, देखो बहुत ही कमाल का ट्रांसपेरेंट दिख रहा है टेक्स्ट अट्रैक्टिव वीडियो बैकग्राउंड के साथ चलते, ठीक है। जैसे मैं दिखता जा रहा हूँ आप ऐसे ही करते जाओ,
उसके बाद मैं फिर से टेक्स्ट को शो अप किया, शो अप करके मैं इस वीडियो को फिर से ऊपर से थोड़ा क्रॉप किया, क्रॉप करके मैं इसको भी थोड़ा एडजस्ट किया, एडजस्ट करके मैं मिडिल पे सेट कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे मैं मिडिल पे, क्योंकि मैं मिडिल पे क्यों सेट कर रहा हूँ छोटा करके, ताकि टेक्स्ट अच्छे से देखे और बैकग्राउंड अच्छे से, मतलब वीडियो प्ले विथ टेक्स्ट जगह जो आप बोल सकते हो, जैसे बहुत ही अच्छे से दिखे आपको, मतलब टेक्स्ट ट्रांसपेरेंट आपको दिखे। तो अभी मैं आपको प्ले करके, एक बार शोन करके प्ले करके दिखा रहा हूँ। तो बहुत ही कमाल का वीडियो, टेक्स्ट ट्रांसपेरेंट विथ वीडियो चल रहा है, प्ले हो रहा है। इसी तरह से आप अच्छे से अपना चैनल का इंट्रो क्रिएट कर सकते हो। आप अगर चैनल का थंबनेल बनाना चाहते हो इसी साइट से विजिट में, जो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन साइट पे, विजिट किया HD थंबनेल एज ए फोटोशॉप, एकदम कंप्लीट आपको फोटोशॉप को तरह दिखेगा कि आप क्रिएट कर सकते। अगर आप फोटोशॉप या सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, जो मैंने लिंक दिया उसके साइट में विजिट करके आप सेट कर सकते हो, थंबनेल क्रिएट कर सकते हो। अगर ये ट्यूटोरियल सब कुछ भी हेल्प हुआ है, अगर आपको लग रहा है मैंने बहुत से अचीव किया है, बहुत कुछ मैंने सीखा है, इस ट्यूटोरियल वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन प्रेस करके, जो वीडियो को जितना हो सके इंडिया के में सबके पास शेयर करते, जो लोग थंबनेल HD थंबनेल क्रिएट ऐसे करें, मतलब सबके पास फोटोशॉप का काम सब लोग नहीं जानते, सबके पास फोटोशॉप नहीं है, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, तो वो लोग भी आसानी से क्रिएट करें। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना, वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन प्रेस करके। तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ कमाल के ट्यूटोरियल मिले के अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय।